ગુજરાતમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી કાર્યરત અનહદ નામની સંસ્થાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. આ સંસ્થા કોમી એકતા, વાણી સ્વતંત્રતા, વૈવિધ્યની ઉજવણી, મહિલાઓની સમસ્યા, બંધારણના હકોને કેન્દ્રમાં રાખીને કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું હતું. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને અંતર્ગત તેમણે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા બોલે ગુજરાત નામથી કેમ્પની શરૂઆત પણ કરી હતી, જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિકાસની જે વાતો રજૂ કરવામાં આવી છે તેની હકીકતો નાટકો, શેરી નાટકો દ્વારા રજૂ કરાશે. बोले गुजरात अभियान एक गुजराती आम आदमी की आवाज को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह का डर है यहाँ पे और लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, खासतौर से अगर वो सत्ता के खिलाफ हो तो लोगों को काफी डर लगता है. इसलिए बोले गुजरात के नाम से बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं. इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट में महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, सोशल मीडिया के ऊपर वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, उसमें हम बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं जो वाइब्रेंट गुजरात का जो बहुत पूरे देश में जो एक उधम है उसकी असलियत क्या है उसको दिखा रहे हैं. उसमें 2 मिनट की फिल्मों से लेके और आधे घंटे तक की फिल्में हैं जो हम बना के दिखा रहे हैं. सिमिलरली और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी है. नुक्कड़ नाटक ग्रुप तैयार किए हैं जो पूरे गुजरात में परफॉर्म करेंगे. फिर एक बार नजर नाखे आज ना मुख्य समाचारों पर. कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा योजा नरेंद्र मोदी विरुद्ध धरना.